हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना चटकारा। किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रसभरी। रसभरी बहुत आसानी से और बहुत टेस्टी मिठाई बनता है, इसे आप एक बार ज़रूर बना। रसभरी बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन में एक चम्मच देसी घी डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक बाउल सूजी जो लगभग 200 ग्राम है, और इसे अब हम एक मिनट तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, हल्का हल्का इसमें खुशबू आने तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दो बाउल दूध मिलाएंगे जो लगभग वेट में 500 मिलीलीटर है। हल्का हल्का चलाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। सूजी दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे हमें चलाते रहना है और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। सूजी दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक रफ डो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। इसके लिए हम दो बाउल चीनी लिए हैं जो लगभग 400 ग्राम है। और इसमें अब हम मिलाएंगे दो बाउल पानी। दो बाउल हम चीनी लिए हैं और दो बाउल ही पानी भी लिए हैं। इसकी चाशनी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6-7 मिनट में बन जाती है इसकी चाशनी। और बीच बीच में हमें इसे चलाना होता है। इसमें हम डालते हैं खुशबू के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर। और आधा चम्मच फूड कलर। फूड कलर डालने से चाशनी का कलर बहुत सुंदर दिखता है। ये ऑप्शनल है तभी डालें, ऐसे नहीं भी डाल सकते हैं। चाशनी बन चुका है, हल्का हल्का चिपचिपा हो रहा है, अंगुलियों से देखने पर थोड़ा भारीपन आ रहा है। गैस बंद करेंगे, ये तैयार है। डो थोड़ा थोड़ा गर्म है, पूरे तरह से ठंडा नहीं करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और इसमें 2 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच शुद्ध घी और इन सबको अच्छी तरह से गूंधेंगे। इन सबको हम अच्छा से मिलाएंगे और सबको अच्छा से गूंधते हुए एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। डो काफ़ी स्मूथ बना है। अब हम इससे छोटे छोटे पेड़े बनाकर गोल शेप में हल्का दबाकर ऐसा बनाएंगे। तैयार था, इसीलिए ये पेड़े जितने भी बने हैं कहीं भी क्रैक नहीं, बहुत अच्छा बना है। और आप चाहें तो अपना कोई और दूसरा शेप में भी बना सकते हैं, जैसे ये हम सिलेंडर शेप में बनाए हैं, या आप चाहेंगे तो इसमें कोई डिजाइन भी कर सकते हैं। इजी है, बहुत इजी है। इसे बस ऐसे पुश करना है हल्का सा और देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन जाता है। और ये लगभग हर घर में रहता है इस तरह का टोकरी, तो ऐसे भी बन सकता है डिजाइन। पहले हम ऑयल को चेक कर लेंगे गरम है या नहीं। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इन सबको तलेंगे। जितना पीसीस में अच्छा से आ जाए उतना ही हम डालेंगे। मीडियम
मीडियम फ्लेम पर तलना है हमें इसे, और बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, आराम से तलना है। अब हम दूसरे साइड से पलट देते हैं। उलट पुलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से तलेंगे हम। और ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये तैयार है। अब इसे हम निकालेंगे। इसी तरह से हम सबको तल लेंगे। बहुत फूला फूला और बहुत मुलायम बना है ये। चाशनी को एक बार फिर से हम गरम करते हैं, और ये गरम हो चुका। अब हम गैस को करते हैं बंद, और फिर इसमें हम एक एक करके रसभरी को डाल देंगे। इसे हम चाशनी में डुबोकर आधा घंटा के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। रसभरी में चाशनी अच्छा से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलटेंगे। रसभरी तैयार है, और अब हम इसमें से दिखाते हैं आपको कि अंदर तक कितना अच्छा रस चला गया है। देखिए, बहुत आसानी से चम्मच से कट गया, और अंदर तक पूरे तरह से रस चला गया है इसमें।